हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 21st of May। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ questions। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति 23 इज़ अ bilateral एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है, समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, इंडोनेशिया, फ्रांस या इसराइल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। ये एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। सो समुद्र शक्ति इज़ अ bilateral एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, जो कि आयोजित की गई है 14th to 19th May दिस ईयर। और इस एक्सरसाइज में INS कावरती ने पार्टिसिपेट किया है। ये 4th edition है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज समुद्र शक्ति का एम है टू इन्हांस इंटर ऑपरेबिलिटी, ज्वाइंटनेस एंड म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन बोथ नेवीज। INS कावरती की बात करें तो ये एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित लड़ाकू जलपोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचार साथी पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इज यूज्ड फॉर विच एक्टिविटी। आपसे पूछा जा रहा है, संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है वो किस गतिविधि के लिए उपयोग में लिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रीवांसेस रीएड्रेसल, ट्रैकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल, नॉमिनेशन फॉर अवार्ड्स या GST फिलिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ट्रैकिंग लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल से संबंधित है। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फाइनली लॉन्च्ड संचार साथी पोर्टल टू हेल्प यूजर्स टू ट्रैक देयर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स। And it uses a central equipment identity register system to block or locate lost mobile phones, and the system is managed by Center for Department of Telematics. तो संचार साथी पोर्टल ये इससे संबंधित है कि इससे खोए हुए या चोरी किए हुए जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनकी लोकेशंस का पता लगाया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When will the Ministry of Food Processing Industry organize World Food India 2023 in New Delhi? आपसे पूछा जा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में World Food India 2023 का आयोजन कब करेगा? आपके ऑप्शंस हैं September 2023, October 2023, November 2023 या December 2023। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन November 2023 में किया जाएगा। सो दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 3rd to 5th November 2023 इन न्यू दिल्ली। और हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अनीता प्रवीण ने चेयर किया है एक मीटिंग विद द सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड बोर्ड्स। The meeting was held to apprise the officials of the preparation made so far for World Food India 2023. इस मीटिंग के दौरान ये देखा गया कि इनकी तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं और आगे अभी क्या काम करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिच एक्सप्रेस वे वॉज हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाई कम्प्लीटिंग 100 kilometers ऑफ रोड इन 100 hours। आपसे पूछा जा रहा है, किस एक्सप्रेसवे ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क निर्माण पूरा करके एक इतिहास रचा है। आपके ऑप्शंस हैं गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे या रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे है जो कि 100 किलोमीटर कंप्लीट किया गया है इन 100 hours में। सो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ने एक इतिहास रचा है बाय देयर
stupendous feat of laying bituminous concrete covering a distance of 100 lane kilometers in just 100 hours. और इस कार्य के लिए नितिन गडकरी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है क्यूब हाईवेज को, लार्सन एंड टुब्रो एंड गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को फॉर देयर अचीवमेंट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू विदड्रॉ 2000 रुपीज डिनोमिनेशन बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी. सेकंड, फ्रॉम 23rd मई 2000 नोट्स विल नॉट बी अ लीगल टेंडर. आपसे सही स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है टू विदड्रॉ 2000 रुपीज बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन और ये स्टेटमेंट इशू किया गया है 19th मई को बाय द RBI. पब्लिक कैन डिपॉजिट दीज नोट्स इन देयर बैंक अकाउंट्स और एक्सचेंज देम टिल 30th सितंबर 2023. तो इसकी डेट भी दे दी गई है कि 30th सितंबर तक आप इसको अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं और ये फैसिलिटी एक्सचेंज करने की शुरू होगी फ्रॉम 23rd ऑफ मई और इसकी लिमिट डिसाइड की गई है 20,000 एट अ टाइम विल बी प्रोवाइडेड एट 19 रीजनल ऑफिसेज ऑफ द RBI. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ट्रेडिशनल गेम गतका विल बी कंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम्स. द 37th नेशनल गेम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट इन अक्टूबर 2023. आपसे पूछा जा रहा है पारंपरिक खेल गतका जो 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा. आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या ओडिशा. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अप्रूव कर दिया है गतका को 37th नेशनल गेम्स में शामिल करने के लिए और ये शेड्यूल किया गया है अक्टूबर में इन गोवा. अ टोटल ऑफ 43 गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द नेशनल गेम इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.